अबे ओए, ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये तू? डकी को पकड़ के गंजा कर रहा हूँ। तो फिर आ गए आप लोग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जाने माने 6 मिलियन वाले यूट्यूबर की, मतलब डकी भाई की और शामिर अब्बास एंड बदला ब्रदर की। तो बकवास बंद करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बंदा हार कर दिया तो भी मुझे जो है ना साफ करना पड़ेगा सारा रेजर से। वो फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा इंसान लगूंगा। इंसान तू फिर भी नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नोट्स लीक हो गए हैं। और बच्चों को इसके कंटेंट से सीखने के लिए क्या मिल रहा है? नोट्स लीक हो गए यही सीख रहे हैं। सिर्फ तुम लोगों के लिए, सिर्फ तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुमसे वादा किया था, तुम लोगों से वादा किया था, इसलिए मैंने जो है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नोट्स लीक हो गए हैं। भाई यही वीडियो अगर तू इन लोगों पे बनाता ना तो तेरी इज्जत हम लोगों के दिल में ना बढ़ जाती। लेकिन नहीं, तुझे तो इन लोगों की फिक्र ही नहीं, तुझे तो झूठे और क्रिंज कॉन्टेंट ही बनाने हैं। सिर्फ फैमिली दिखा दिखा कर आवाम को पागल बनाना है। तेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, यही इमोशन तू इन लोगों के लिए देता ना तो तेरी वजह से और लोगों में हिम्मत भरती, तो वो लोग भी बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है ना आंखों के नीचे नीचे हल्के से बाल आ गए ना, तो वो थोड़ा साफ कर, नीट लगेगा ना फिर। नीट लगेगा शोहर तुम्हारा, नीट। नीट नहीं बेटे, तू नीचे और तू वो ही लगेगा। कल जो है ना मुझे ठंड लग गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। क्या लग गई थी? ठंड लग गई थी मेरी। जिसको लगे ठंड वो पकड़ ले मेरा। पूरा 10 साल इंतजार किया, 10 साल GTA 6 आने के लिए 10 साल वेट किया है, 10 साल वेट किया है। आप पैदा भी नहीं हुए थे तब। अच्छा, तेरा भाई पैदा भी नहीं हुआ था जब, तो उसके हिसाब से तेरा भाई तो 9 साल का हुआ या फिर उससे भी छोटा। देखो डक्की भाई, आपका कितना लॉयल यूट्यूबर है यार। तो 9 साल का बच्चा कॉलेज कैसे जा रहा है? हाँ भाई, लॉयल यूट्यूबर, अब कहाँ गई तेरी लॉयल्टी? एक नंबर का मुनाफिक और झूठा है तू। गाड़ी मिली वापस फाइनली। लेकिन हमने शेव सूट दबाना था। मैं क्या 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 फिर से बोल। शेव सूट दबाना था मैं। अब तुम खुद ही देख लो, प्रिंट कराना सिर्फ बहाना था और आवाम को चूतिया बनाना था। तुम लोगों के लिए जो है मैंने अपने साथ कुत्ते वाली कर लिया। अगर अभी भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, मैं कसम खुदा की मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैंने हर बंदे के घर बढ़ के जो है ना उसकी टिंड कर देनी है मैंने। कुत्ते तू आ जा, घर आके टिंड करेगा ना, तू आ जा साले, टच करके दिखा दे। ओपन चैलेंज है तुझे। और काफी लोग डक्की को इस बात पे भी हेट दे रहे हैं कि इस भाई साहब ने फलस्तीन की सपोर्ट पे कोई वीडियो नहीं बनाई, ना कोई आवाज उठाई है। तो मेरी से बात होती रहती है व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो तुम इसके हो? तो मुझे पता है कि इन भाई साहब ने डोनेशंस किए हैं, काफी चीजें की हैं जो इसने पब्लिक में नहीं बताई। इसीलिए तो उसने तुझे भेजा कि तू जाके बता कि मैंने डोनेशन दिया है, क्योंकि भाई साहब को शौक नहीं है कि पब्लिक में चीजें बता के सिंपैथी गेन करें। सिंपैथी गेन करने का शौक नहीं, बीवी को नचाने का शौक है, प्रिंट कराने का शौक है, सिस्ट्रोलॉजी की शादी पे नाचने का शौक है, शौक नहीं तो सपोर्ट में बोलने का शौक नहीं। अबे चूतिया, शौक से नहीं दिल से सपोर्ट करना है उन्हें। लेकिन आपको कुछ अरसे तक डक्की की सपोर्टिव वीडियो फलस्तीन के टॉपिक पे नजर आ जाएगी। एक मिनट, अब क्यों बना रहा है वो सपोर्टिव वीडियो? उसे तो दिखाने का शौक नहीं ना। साईं तो साईं, साईं का टट्टा भी साईं। और बाकी मैंने इस बंदे को, बदला ब्रदर को सपोर्ट किया फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मेरी तरह से इस बंदे को तकरीबन 15 लाख ऑडियंस ने सपोर्ट किया। ओ अच्छा, तो तुमने बदला ब्रदर को सपोर्ट किया था? देखा था हमने, जो डकी के कहने पे तुमने उसको स्ट्राइक भेजी थी ना। साईं तो साईं, साईं का टट्टा भी साईं। और इस बंदे ने मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं कहा, शुक्रिया अदा नहीं किया, कोई कुछ बोला ही नहीं, जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर मैंने भी कहा ठीक है भाई, तुम्हें तो नजर नहीं आता किसी का एहसान, तुम्हें तो नजर नहीं आती किसी की सपोर्ट, तो तुम दोनों जो है लड़ो। ओहो, तुझे थैंक यू भी नहीं बोला। जैसे तेरे डकी भाई को सपोर्टिव वीडियो बनाने का शौक नहीं ना, वैसे ही बदला ब्रदर को थैंक यू कहकर सिंपैथी हासिल करने का शौक नहीं है। डकी मेरा अबू भाई दिखला। तुम लोगों ने जो बदला ब्रदर के साथ किया था ना, पता है वो सबको, वो अकेला था, लेकिन अब मैं भी उसके साथ हूँ। जो उखाड़ना है उखाड़ लो बदला ब्रो, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, घुस के फट जा। आई लव यू बदला ब्रो।
अब कुछ लोग कमेंट में आकर बकवास करेंगे, डकी को बोल रहा है। तूने डकी को रोस्ट कर दिया, अबे झाड़ी तेरा बाप है वो। अल्लाह शर्म करो, खुदा के अजाब से डरो, तुम कौन होते हो बोलने वाले? आई एम अ बिग फैन ऑफ डकी भाई। डकी तेरा बाप है। शर्म करो, शर्म। मास्क उतार के बात कर। अबे ओए ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये तू? डकी का कंटेंट कर रहा हूँ। डकी भाई मेरे टुकड़े पे।